नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र मीना और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर टिप्स एंड मंडी भाव। दोस्तों, धान की फसलों में BPH मतलब माहू तेला ऊपर बहुत बड़ी समस्या बन गया है। अगर हम शुरुआती दिनों में इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये हमारी फसलों को 40-50% तक खराब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे खेत में माहू कहाँ लगता है? तो दोस्तों, जहाँ सबसे ज़्यादा सड़न दिखती हो या लंबे समय से यहाँ पानी रुका हो, सबसे पहले माहू वहीं पर लगेंगे और 6-7 दिन में ये पूरे खेत में फैल जाते हैं। आपको बता दूँ, एक काली माहू एक दिन में 1000 अंडे देने की क्षमता रखती है, तो आप समझ सकते हैं ये अपनी जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ाते हैं। जब हमें अपने खेत में माहू की संख्या ज़्यादा दिखे तो हम दुकानदार से बोलते हैं, भैया हमारे खेत में माहू की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमको अच्छी कीटनाशक दो। तो वह हमें पैक्सलोन देता है, मगर पैक्सलोन का खर्चा एक एकड़ का हमें 1300-1400 रुपये पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसी दवा बताऊंगा आज जो पूरी तरीके से आपकी खेत की तो माहू मारेगा और साथ में लंबे समय तक आपकी फसल को सुरक्षा भी प्रदान करेगा, वो भी कम खर्च में। तो जानते हैं, हमें पहली दवा लेनी है पाइमेट्रोजन 50%, जो आएगा उत्तम कंपनी का मेट्रोज के नाम से, 1 किलो 3000 रुपये में पड़ेगा। साथ में हमें लेना है PI कंपनी का ओसिन, जिसमें आता है डेंटोफुरान 20%, ये 1 किलो 4000-4300 रुपये में मिल जाएगा। 1 एकड़ में हमें 100 ग्राम पाइमेट्रोजन लेना है और साथ में 100 ग्राम ओसिन लेना है। 100 ग्राम पाइमेट्रोजन हमें 300 रुपये का पड़ेगा और 100 ग्राम ओसिन हमें 430 रुपये का पड़ेगा। टोटल हमारा 1 एकड़ का खर्च 730 रुपये आएगा। पैक्सलोन से 600-700 रुपये कम में हमें दुगना रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पैक्सलोन में एक ही टेक्निकल आता है, वहीं हम दो टेक्निकल डाल रहे हैं तो हमें पैक्सलोन के मुकाबले दुगनी सुरक्षा मिलेगी, वो भी कम खर्च में। अब बात करते हैं नीम तेल की। नीम तेल के भी बहुत फायदे हैं, ये इल्लियों को तो कंट्रोल करता है, साथ में माहू को भी कंट्रोल करता है और ये दवाओं को पूरी तरीके से पौधों में फैलाता है। किसान भाइयों, पैक्सलोन के चक्कर में ना पड़े, कम खर्च में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।